जय हिंद मेरठ मित्र चैनल एनटीवी लाइव वेब न्यूज पर मैं हूं आपके साथ नवेद खान। चलिए दिखाते हैं इस वक्त की बड़ी खबर, खास खबर आपको दिखाने जा रहे हैं हमारी खास रिपोर्ट में। दिन 12 जनवरी 2022 खबर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से, जहां उत्तर प्रदेश के मेरठ में गौवंश के अवशेष मिलने के बाद लोगों ने जमकर हंगामा किया। तस्वीरें मेरठ की हैं, थाना ब्रह्मपुरी क्षेत्र के माधवपुरम की हैं, जहां गौवंश के अवशेष मिलने के बाद लोगों ने जमकर हंगामा किया। आपको बता दें मेरठ के ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र के माधवपुरम कम्युनिटी हॉल के पास गौवंश का अवशेष मिलने पर जमकर हंगामा हुआ। हंगामे की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस और सीओ ने लोगों को समझा बुझाकर शांत किया। कम्युनिटी हॉल के पास मिले अवशेषों को पुलिस ने फिलहाल कब्जे में लिया है और लोगों को आरोपियों को जल्द पकड़ने के उनके खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। सीओ मौके पर है। दरअसल गुरुवार की सुबह माधोपुरम के सेक्टर 3 में कम्युनिटी हॉल के पास गौवंश के अवशेष मिलने की सूचना आई, जिस पर वहां के लोगों ने जाकर देखा तो खून भी फैला हुआ था। इसके बाद भीड़ इकट्ठी हो गई और लोगों में आक्रोश हुआ, लोगों ने जमकर हंगामा किया। पुलिस ने मौके पर लोगों को समझाया। पूरे मामले के लिए 3 पुलिस टीमों का गठन किया गया और आरोपियों की तलाश जारी है। ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र अंतर्गत सेक्टर 3 में कम्युनिटी हॉल के पीछे जिस तरफ आज प्रातः गोवंश के अवशेष प्राप्त होने की सूचना प्राप्त हुई थी, इस सूचना पर स्थानीय पुलिस और स्थानीय अधिकारियों के द्वारा तत्काल मौके पर जाकर अवशेष को हटवा दिया गया है। इस संबंध में थाना ब्रह्मपुरी पर समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकरण किया जा रहा है। इस घटना को कारित करने वाले और इसके पीछे जिन लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहा है, इसके संबंध में 3 टीमें गठित की गई।